पशु जैव विविधता में बेहद समृद्ध है। विश्व में गोवंश के संपूर्ण आनुवांशिक धन का 16% हिस्सा हमारे देश के पास है। देश में गायों की 43 विशिष्ट नस्लें हैं। इन 43 नस्लों में से कुछ नस्ल जैसे साहिवाल, गिर, थारपारकर, राठी, लाल सिंधी आदि दूध की अधिक उत्पादकता के लिए जानी जाती हैं। वहीं कंकरेज, हरियाणा और ओंगोल दूध के साथ साथ खेती के लिए भी काम में आती हैं। ये नस्लें अपने प्रजनन क्षेत्र में सदियों से विकसित होती आई हैं। इसीलिए इन्होंने खुद को स्थानीय स्थितियों के अनुकूल बना लिया है। ये नस्लें अत्यधिक प्रबल हैं और साथ ही इनमें गर्मी सहन करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। इन्हें संकर गायों की तुलना में कम आहार की आवश्यकता होती है। साथ ही ये स्वभाव से भी शांत होती हैं। साहिवाल गाय को अपनी इन्हीं विशेषताओं की वजह से दुनिया के विभिन्न देशों में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कीनिया, साउथ अफ्रीका और अमेरिका में अन्य नस्लों के साथ संवर्धन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इन्हें जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में पशुधन के प्रबंधन और पोषण पर लगातार शोध कार्य हो रहे हैं। आइए और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी से। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में हमारा एक पशुधन केंद्र है, जिसमें लगभग 2000 के लगभग हमारे पास जो पशु हैं, और मुख्यतः जिसमें हमारे द्वारा विकसित दो जो संकरण गायों की नस्ल है, कर्ण फ्रीस और कर्ण स्विस। तो कर्ण फ्रीस में लगभग 300 के लगभग हमारे पास जो जानवर हैं और 14 कर्ण फ्रीस की गाय हमारे पास हैं। और इसके अलावा जो हमारी देसी नस्ल है, जिसमें गिर है, थरपारकर है और साहिवाल है। गिर हमारे पास 150 के लगभग और इसी प्रकार से थरपारकर 180 के लगभग हमारे पास हैं। और जो साहिवाल की गायें 422 के लगभग हमारे पास गायें हैं। इसके अलावा भैंसें, जो मुर्रा की जो भैंस है, जो हरियाणा की मुख्य ब्रीड है, वो 600 के लगभग हम यहाँ पर उनका रखरखाव कर रहे हैं। और जो लगभग 350 हमारे पास जो बकरियां हैं, जिनसे भी दूध उत्पादन हो रहा है। हम लोग जो है वैज्ञानिक तौर तरीके से इनका रखरखाव करते हैं और इससे हम दूध का उत्पादन लेते हैं। तो इनसे हमें लगभग 3000 किलोग्राम दूध प्रतिदिन जो पैदा हो रहा है, और उस दूध को हम विभिन्न उत्पाद के रूप में हम इसका जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें घी है, दही है, पनीर है, चीज़ है, और उसके अलावा जो पेय होते हैं उसको भी हम समय समय पर यहाँ पर बना रहे हैं। संस्थान में साहिवाल गाय की उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकों की खोज और उनका वैज्ञानिक पद्धति से विकास कार्य किया जा रहा है। अपनी खूबियों की वजह से साहिवाल का प्रयोग गाय की नई नस्लों जैसे कि करण स्विस और फ्रीस वॉल बनाने के लिए भी किया गया है। संस्थान में साहिवाल गाय की नस्ल सुधार के साथ ही उसके प्रबंधन और डेटा संरक्षण का काम किया जा रहा है। आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर SS लठवाल जी से। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के पशुधन अनुसंधान केंद्र में हमारे पास टोटल पशुधन 2000 से ज़्यादा है। उसमें से हम 3 प्रजातियां देसी नस्ल की गायों की रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास साहिवाल नस्ल की गायें, जो कि हमारे देश के अंदर फाजिलका, अबोहर और कुछ एरिया गंगानगर के आसपास राजस्थान स्टेट में मिलती हैं। इनको हमने यहाँ ला के इनका उत्पादन बढ़ाया है और वैज्ञानिक पद्धति से इनमें सुधार किया गया है। और इस पशुधन के अंदर हमारे पास 40 गायें ऐसी हैं जिसको हम इलाइट कहेंगे, जिसको हम सुपर गाय कहते हैं, जो 20 लीटर या उससे ज़्यादा दूध देती हैं। हमारे पास यहाँ पे मुख्य उद्देश्य गाय का पालन करने के लिए कि हम अच्छे से अच्छे बछड़े पैदा करें, जो ज़्यादा दुधारू गाय के हों, और उसका हम
वीर्य उत्पादन करके उसके टीके बनाएं और पशुपालक को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसका प्रसार करें। हमारे यहाँ पे 4800 लीटर एक ब्यांत में ज़्यादा से ज़्यादा गाय ने दूध दिया है। साहिवाल नस्ल की अगर प्रतिदिन औसत के बारे में बात करेंगे तो 25 लीटर भी एक दिन में यहाँ गाय ने दूध दिया है। पिछले साल हमारे पास 22-23 एक साहिवाल नस्ल यहीं की गाय है जिसने 23.5 लीटर दूध दिया था और उसका मेल काफ है, उसको हम बुल में पशु पोषण की तरह पाल रहे हैं, जिसका आगे जाके हम वीर्य के टिक्के बनाएंगे और पशुपालकों को देंगे। इसके अंदर और अनुसंधान चल रहे हैं। इन पशुओं में 6-7 जनरेशन का डेटा रिसर्च के लिए हमारे यहाँ संरक्षित किया गया है और उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य की प्लानिंग की जाती है और उसको आगे कैसे कैसे दूध बढ़ाया जाए। इस पशु के अंदर मुख्यतः एक दो और जो कठिनाइयां हैं कि दूध देने का जो समय है वो पूरे 10 महीने नहीं है, वो 8 से 9 महीने दूध देती है। तो हमारा जो अनुसंधान इस दिशा में चल रहा है उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये गायें भी 10 महीने दूध दे ताकि पशुपालक को लाभ मिले। दूसरा, हमारे पास इन पशुओं के अंदर जो हम कहते हैं कि पहले ब्यांत की आयु भी थोड़ी ज़्यादा होती है, 3 साल या इससे ज़्यादा उम्र में जाके ये पहली बार ब्याती है, तो उसको भी कम करने के लिए हमारे अनुसंधान के प्रयास चल रहे हैं। तो इनको देखते हुए हम यहाँ पे साहिवाल नस्ल की उत्तम से उत्तम नस्ल के सांड के वीर्य हम संरक्षित करते हैं और किसान को अपने घर में पशुओं में वहीं पर रखने के लिए हम उसको टीका बहुत ही सस्ती दर पर देते हैं ताकि हमारे बुल जितने भी साहिवाल नस्ल के हैं उनका फील्ड में जाके भी वैलिडेशन हो सके। तो इन चीज़ों को देखते हुए दूसरे और भी हमारी जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड यूनिट है जो मेरठ में है, उसने भी हमारे यहाँ की यूनिट साहिवाल को सम्मिलित किया है। यहाँ के बुल का सीमन वहाँ दूसरे प्रदेशों में भी यूज होता है और वहाँ का बाहर का जो अच्छा साहिवाल का बुल है उसको हम यहाँ यूज़ करते हैं ताकि कोई भी इन ब्रीडिंग किसी तरह की ना आए और हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड वगैरह मेंटेन रहे। तो इन आने वाले समय में साहिवाल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और हमारी उम्मीद है कि हम आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा गायें ऐसी होंगी जो 20 लीटर या उससे ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए पशुपालक के लिए हम दे पाएं। आम धारणा है कि देसी गाय का दूध मशीन की सहायता से निकाल पाना काफी मुश्किल है। संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार अगर देसी गायों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो मशीन की सहायता से दूध निकालना काफी आसान हो जाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि देसी गायों को मशीन से दूध निकालने में आम धारणा है कि मशीन से दूध नहीं निकलवाएगी, लेकिन हमारे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में हमने ये सफल प्रयोग किए हैं कि मशीन से आराम से गायें दूध निकालवाती है और केवल उसमें शुरू के अंदर हमें एक ट्रेनिंग देनी होती है। हम क्या करते हैं, ब्याने से एक महीना पहले जो भी गायें उसको हम रोज़ाना मिल्किंग पार्लर में ले जाते हैं और उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको नहलाते हैं, उसकी हर बॉडी पार्ट्स को मसाज करते हैं और उसको वहाँ पे रिफ्रेशमेंट के तौर पे थोड़ा दाना खिलाते हैं ताकि उसको एक हैबिचुएशन आ जाए, उसको आदत बन जाए कि उस पार्लर में जाएगी तो उसके दाना मिलेगा और उसको खाने के लिए मिलेगा, तो एक वो अनुकूलित हो जाती है वातावरण से। और जब ब्याने के बाद दोबारा हम उसको उसी पार्लर में लेके जाएंगे तो उसके लिए एक नया वातावरण नहीं होगा। 4-5 दिन तक इसी तरह हम सावधानी से उसको दोबारा फिर ट्रेनिंग पे लेते हैं और फिर सफल पूर्वक मशीन से दूध निकालती रहती है, कोई भी इसी तरह का उसमें व्यवधान नहीं होता। रोज़ाना प्रतिदिन हम उसको लेट डाउन ऑफ मिल्क के लिए दाने के तौर पर एक रिफ्रेशमेंट देते हैं ताकि मिल्क लेट डाउन हो जाए, बच्चे को साथ में सकलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उससे पूरा लेट डाउन करती है। हमारे पास
करीब 70% ऐसी गायें हैं जो साहिवाल नस्ल में हैं और मशीन से दूध निकालते हैं। एक बात जो काफी ध्यान रखने लायक है वो ये है कि दूध निकालने वाली मशीनों की साफ सफाई और उचित रखरखाव समय समय पर होता रहे। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि मशीन को अगर ढंग से मेंटेन किया जाए और क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे हो और हमारी देसी गायों की उत्पादकता कैसे बढ़े, उसके लिए ज़रूरी है आज के फार्मों का मैकेनाइजेशन। क्योंकि गाँव में भी सफल दूध निकालने वाले, जो दूध निकालने का एक प्रक्रिया है, उसको सुचारू रूप से कर नहीं पाते। मैकेनाइजेशन बहुत ज़रूरत है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम थोड़ा सा आपको ये बताना चाहते हैं कि मशीन से किस तरह का डेली मेंटेनेंस होना चाहिए। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो वैक्यूम है, पाइपलाइन के ऊपर गेज लगा है, वो 40 से और 50 किलो पास्कल की रेंज में होना चाहिए ताकि उसका वैक्यूम प्रॉपर हो और उसे एक स्पीड से दूध निकले। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि हम साफ़ सफाई मशीन की नहीं करते हैं। जब भी मशीन पे दूध के लिए गायें को लाते हैं, सबसे पहले पशु के अयन को अच्छी तरह साफ़ किया जाए और उससे पहले मशीन जब लगाते हो, टी डिप सॉल्यूशंस जो मेस्टाइटिस को कम करता है उसमें टी डिपिंग की जाए, प्री डिप सॉल्यूशंस जो यूज़ में आते हैं। फिर पशु के थन को साफ़ करके उसके टीट कप को लगा देते हैं और प्रॉपर उसका मिल्क फ्लो को मॉनिटर करते हैं और 3 से 4 मिनट में ही सारा दूध निकल जाता है। उस दूध के निकलने के बाद हम ये देखते हैं कि बाद में पशु के जो भी दूध निकला है, पूरी तरह दूध निकल गया कि नहीं निकला है, और बाद में फिर पॉजिटिव सॉल्यूशंस गाय के थन पर लगाते हैं ताकि कोई भी मेस्टाइटिस का कारण ना बने। सारा दूध निकल जाने के उपरांत हम मशीन की एक सफाई करते हैं ताकि इसमें कोई भी पैथोजन ग्रो ना करे और किसी तरह का इन्फेक्शन ना रहे और दूध की क्वालिटी को प्रभावित ना करे। सबसे पहले हम ठंडे पानी से उसमें प्रवाह करते हैं, फिर गर्म पानी से करते हैं, फिर हमारे डिटर्जेंट सॉल्यूशन होते हैं उससे हम 2-3 बार इसी तरह गर्म, ठंडा और सॉल्यूशन से धोते हैं ताकि क्लीन मिल्क प्रोडक्शन हो और सुबह शाम मिल्किंग के बाद इस तरह की सफाई की जाती है। इसमें एक अहम बात ये है, हम पशुपालकों को ये भी बताना चाहते हैं कि हम जो लाइनर यूज़ करते हैं, रबर लाइनर जो पशु के थनों पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है, उसको 2500 मिल्किंग के बाद बदल लेना चाहिए या 6 महीने पुरानी लाइनर को बदल देना चाहिए। भले ही वो दूध सुचारू रूप से निकाल रही है लेकिन थनों पर उसका कुप्रभाव पड़ता है। दूसरा, वैक्यूम गेज प्रॉपर रेंज में रहे ताकि दूध स्पीड से निकले। दूसरा, हम देखते हैं वैक्यूम पंप है जो, जिसकी सर्विस हर साल होनी चाहिए। दूसरा, जो पल्सेटर है जिसने दूध निकालने में हम पूरा उसकी पल्सेशन रेशो को मेंटेन करते हैं, हर साल उसकी सर्विस होनी चाहिए। जो मिल्क ट्यूब है उसको हर साल बदल देना चाहिए और जो वैक्यूम हवा की एयर ट्यूब हैं उसको 2 साल में एक बार ज़रूर बदल देना चाहिए, भले ही वो ठीक काम कर रही है। इन चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो आपकी मशीन और मिल्किंग एफिशिएंसी, गायें का स्वास्थ्य, पशु के अयन, थनों में कोई रोग बिल्कुल नहीं होगा और सफलतापूर्वक आप मशीन से देसी गायें का भी दूध निकाल पाएंगे। मुर्रा भैंस भारत में किसी भी तरह की जलवायु परिस्थितियों को अपनाने में सक्षम है। ये भारत के अधिकांश राज्यों में पाली जाती है। मुर्रा भैंस में दूध का उत्पादन अधिक होता है। क्योंकि भैंस के दूध में अधिक वसा होती है, इसीलिए इनके दूध की कीमत अधिक होती है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल मुर्रा नस्ल की भैंसों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रबंधन पर कई शोध हो रहे हैं। संस्थान के वैज्ञानिक मुर्रा भैंस से अधिक दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही नस्ल सुधार के लिए उन्नत नस्ल के नर भैंसों के वीर्य संरक्षण पर जोर दे रहे हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं संस्थान के वैज्ञानिक
डॉक्टर पवन सिंह जी से। हमारे संस्थान की पशुशाला में लगभग 550 भैंसे हैं। इनमें मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ नस्ल पाली जाती है वह मुर्रा है। हमारे देश में वैसे भैंस की 20 नस्लें रजिस्टर्ड है, लेकिन मुर्रा सबसे अच्छी नस्ल है दुनिया की और हिंदुस्तान की। हमारे देश में लगभग 15 से 20 प्रदेशों में मुर्रा को बहुत पसंद किया जाता है और ये सभी वहाँ की जो लोकल नस्ल है उसको सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारे संस्थान में जो भैंस है उसका दुग्ध उत्पादन औसतन लगभग 8 लीटर प्रतिदिन है, लेकिन जो रेंज है इनकी वो 8 लीटर से लेके लगभग 20-25 लीटर तक है। यह नस्ल हमारे संस्थान में लगभग 1955 से पाली जा रही है और इस तरह से इसका बड़ा जो फील्ड है उसमें किसानों की नस्ल सुधार के लिए बड़ा योगदान है। उनकी भैंस की नस्ल सुधारने के लिए यहाँ से वीर्य और सांड निरंतर सेल किए जाते हैं, जिसका किसान भरपूर फायदा उठाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा यहाँ नस्ल सुधार के लिए मुख्य प्रोग्राम है वो प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम है, जिसके तहत जो सांड अच्छे दूध देने वाली भैंसों से पैदा होते हैं उनका हम वीर्य फ्रीज करते हैं और फिर उनको अपने पशुओं और किसानों के पशुओं पर टेस्ट करते हैं फील्ड प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम के तहत। इस तरह से हम भैंस का जो संरक्षण और संवर्धन दोनों करते रहते हैं। इसके साथ साथ जो संस्थान में हमारे भैंसों पर जो रिसर्च होती है, इसके खान पान से संबंधित, इसके प्रबंध से संबंधित, इसके प्रजनन से संबंधित और इसकी ब्रीडिंग से संबंधित, उन एरियाज में भी जैसे मुख्य रूप से हमारा जैसे काफ का प्रबंध, सांड का प्रबंध, भैंसों का प्रबंध और क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, इसके अलावा जो पशुओं का गर्मी और सर्दियों में प्रबंध है उसके ऊपर भी हमारे वैज्ञानिक निरंतर प्रयोग करते रहते हैं और शोध करते रहते हैं, जिससे कि इसको गर्मियों में कैसे अच्छी तरह के रखा जा सके। जैसे हम आप सब जानते हैं गर्मियों के दिनों में जो भैंस है वो गाभिन होने में दिक्कत करती है, तो इसलिए उनको एक विशेष प्रकार का प्रबंध, जैसे पानी में नहलाना, बार बार उसको ठंडे जगह पर रखना, पेड़ के नीचे रखना, हरा चारा अधिक मात्रा में देना और मिनरल मिक्सचर आदि का प्रयोग, इस तरह के जो हमारे प्रयोग हैं, शोध हैं, उनके आधार पर जो भी हम रिजल्ट पाते हैं उसको हम किसानों तक पहुंचाते हैं, ताकि किसान भी अपने पशुओं का अच्छी तरह से प्रबंध करके खासकर भैंसों का अधिक से अधिक लाभ कमा सके। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिक और शोधकर्ता पशुओं के पोषण, स्वास्थ्य और उत्तम प्रबंधन के लिए नित नई तकनीकों की खोज और नए अन्वेषण करके पशुधन से अधिक लाभ दिलवाकर किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं।